अडानी और मोदी जी की सांठगांठ पर अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों। मोदी सरकार की सबसे दुलारे उद्योगपति गौतम अडानी फिर एक बार उन पर जो है आफत आ गई है। जो काम सेबी नहीं कर पाई या सेबी को करने नहीं दिया गया वो काम अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने कर दिखाया। दरअसल अडानी ग्रुप का पूरा मामला जो है ना ब्लैक मनी पर आधारित है। अरबों रुपए की ब्लैक मनी का खेल है ये। इस खुलासे ने दोस्तों तहलका मचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मित्र अडानी की फ्रॉडगिरी पर दो बड़ी रिपोर्ट सामने आई, जिसे जानने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों अडानी मामले पर मोदी सरकार हमेशा पीछे दो कदम पीछे चलती है। तो बताएंगे आपको, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। आज सवाल किससे करें, क्योंकि लुटेरे ने तो लूटा ही, लेकिन उस लुटेरे का जो रहबर है यानी पथ प्रदर्शक है वो कौन है, किसने रास्ता दिखाया उस लुटेरे को, यही सवाल है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी या सरकार कितना भी अडानी को बचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन सच की हर एक परत खुलती चली जा रही है दोस्तों। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को हिला करके रख दिया था। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए अपनी ही सिस्टर कंपनीज या फेक कंपनीज के जरिए या शेल कंपनीज के जरिए अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट कराता है, फिर खुद बैंकों के आगे शेयर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाता है, जो सीधे तौर पर गैर कानूनी है, जो एक तरह से धोखा है, फ्रॉड है। हिंडनबर्ग अडानी मामले पर सेबी जो काम नहीं कर पाई वो अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने कर दिया। आज इंटरनेशनल मीडिया संस्थान फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन में हमारे प्रधानमंत्री और उनके मित्र अडानी की फ्रॉडगिरी पर दो बड़ी रिपोर्ट आई है। इन दोनों रिपोर्ट्स का सार यह है कि चीनी एजेंट चांग चिंग लिंग और दुबई के एजेंट नासिर अली शाबान अहली के जरिए अडानी साल 2013 से अपना ब्लैक मनी और हवाला का पैसा जो है अपनी कंपनियों में लगा रहे हैं। ये दोनों गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के आदमी हैं। इन दोनों के थ्रू मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, यूएई देशों में शेल कंपनियां बनाई गई यानी फेक कंपनीज बनाई गई। ये शेल कंपनियां अडानी की कंपनियों से लिंक्ड अप है, क्योंकि ये दोनों ही चीनी, ताइवानी और यूएई के एजेंट अडानी से जुड़ी कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं इससे पहले। मामला कुछ इस प्रकार के हैं कि आप अपना ब्लैक मनी जो है अपनी कंपनी में नहीं लगा सकते, इससे आपके आप पकड़े जाओगे, पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है। तो आप क्या करते हो कि दो विदेशी एजेंट बनाते हो जिसके जरिए आप अपना ब्लैक मनी जो है उसे अपनी कंपनी में लगा करके उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, और यही काम यहां पर भी यही खेल चल रहा है। ये काम 2014 के बाद से धड़ल्ले से अडानी ग्रुप कर रही है, ऐसा खुलासा ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। खुलासा जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने किया है। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल का पहली बार खुलासा करने का दावा किया गया। रिपोर्ट बताते हैं कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने 2013 से 2018 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों को खरीदा है। ओसीसीआरपी का कहना है कि उसने मॉरिशस के रास्ते से हुए ट्रांजैक्शन और अडानी ग्रुप के इंटरनेशनल ईमेल्स का बारीकी से अध्ययन किया है और जांच किया है। उसकी जांच में यह सामने आया कि कम से कम दो मामलों में निवेशकों ने विदेशी कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप के शेयर खरीदे और बेचे हैं। अब इन्हें इन शेल कंपनियों का पैसा बरमूडा के ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड नाम के इन्वेस्टमेंट फंड में लगाया। अब इस फंड का इस्तेमाल भारत में स्थित अडानी की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने में लगाया जाएगा, यानी मार्केट को आर्टिफिशियल तरीके से मैनिपुलेट करने की फिर एक बार कोशिश हो रही है। मतलब आप समझिए कि आप अपना पैसा, चाहे वो ब्लैक मनी क्यों ना हो, किसी दूसरे कंपनी में लगा रहे हैं, फिर उस कंपनी से आप ये कह रहे हैं कि अब आप मेरे कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट कर दें।
इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाएगी और पीछे के दरवाजे से आपका ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही खेल जो है यहां पर भी चल रहा है। अब इसमें एक और खुलासा यह भी हुआ कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये काम 2013 से ही किया जा रहा है। इसे लेकर के 2014 के जनवरी महीने में यानी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत के फाइनेंस खुफिया एजेंसी DRI के हेड नजीब शाह ने शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करता है यानी जो सेबी है उसके हेड उपेंद्र कुमार सिन्हा को पत्र लिखा और इस गड़बड़ी के बारे में बताया, इस पर ध्यान देने को कहा क्योंकि सेबी 2013 में अडानी की जांच कर रही थी। लेकिन मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार आ गई, इसके बाद सेबी को अडानी फाइल्स क्लोज करनी पड़ गई। रिपोर्ट में इस खुलासे ने इतना तो साबित कर दिया कि इस फ्रॉड को होने दिया गया। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े मामले पर सरकार अडानी को संरक्षण दे रही है, जबकि मार्केट मैनिपुलेशन से सबसे अधिक नुकसान भारतीय निवेशकों का है, सरकारी बैंकों का है, LIC का है। ऊपर से ये पैसा टैक्स के बाहर का हिस्सा है यानी ब्लैक मनी है। और ये कोई 10-20-100 करोड़ रुपए की बात नहीं है दोस्तों, ये अरबों रुपए का मामला है जिसे राजनीतिक कारणों से उस आदमी के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है जिस मोदी जी ने ब्लैक मनी को खत्म करने के वायदे के साथ सत्ता में आया था। और आज उसी ब्लैक मनी का सबसे बड़ा संरक्षणकर्ता जो है नरेंद्र मोदी खुद बन गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला ब्लैक मनी का है, तभी तो मोदी जी विदेशों से इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो प्रोजेक्ट अडानी को मिलता है, सरकारी संस्थान अडानी को बेचे जाते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है, जबकि अडानी ग्रुप ने इस खुलासे को सिरे से खारिज कर दिया, जाहिर सी बात है, और फिर एकदम मोदी जी के अंदाज में ही कह दिया कि ये इंटरनेशनल साजिश है। खैर, फेक विदेशी कंपनी बना करके उसी फेक फॉरेन कंपनीज के जरिए ब्लैक मनी अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करा करके उसे व्हाइट बनाना और फिर अडानी ग्रुप का वैल्यूएशन बढ़ाना, ये खेला क्या बिना मोदी या सरकारी संरक्षण के संभव है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखिएगा। और अडानी पर यह जो खुलासा हुआ है, अगर आप चाहते हैं ये हर एक इंसान तक पहुंचे, हर लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को दोस्तों दबा करके शेयर करें, बाकी आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी मदद करें। देश नीति को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ देश नीति का जो नया चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।